वाह बांगलू महाराज वाह। फूलो फलो, अरे फूलो फलो, अरे कोने में तो चलो। नमस्कार दोस्तों, सुपरस्टार अक्षय कुमार की मूवी को आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर टोटल 6 दिन हो चुके हैं और इस दिवाली पर सुपर डुपर 3 मूवी और रिलीज कर दिया गया था, जैसे कि राजकुमार राव की मेड इन चाइना और पेंडेंकर तिवारी की सांड की आंख मूवी भी रिलीज कर दिया गया था इस दिवाली। तब भी अक्षय कुमार की मूवी तब भी इन दोनों को पीछे कर दिया और काफ़ी आगे निकलती हुई नज़र आ रही है और काफ़ी अच्छा कलेक्शन करती हुई नज़र आ रही है। अब हम देखते हैं कि इस मूवी ने अपने 6 दिनों के अंदर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अभी तक कितना कलेक्शन कर दिया। इस मूवी ने अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 19,08,00,000 रुपये का ओपनिंग करती हुई नज़र आ रही है, जो कि काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है, जो कि मेड इन चाइना ने भी इतनी कलेक्शन नहीं किया। और अपने सेकेंड दिन की बात करें, इस मूवी ने 18,81,00,000 रुपये की ओपनिंग करते हुए साबित कर दिया है और जो कि उनके करियर के लिए काफ़ी हिट नज़र आ रहा है। और अपने तीसरे दिन की बात करें, इस मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 15,33,00,000 रुपये की कमाई कर ली है, जो कि काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है और मूवी हिट होने के चांसेस ज़्यादा दिखाए जा रहे हैं। और अपने चौथे दिन की बात करें, इस मूवी ने 34,56,00,000 रुपये कमा लिए हैं और अपने पाँचवें दिन इस मूवी ने 20,50,00,000 रुपये की ओपनिंग करती हुई नज़र आ रही है। और अपने छठवें दिन की बात करें, इस मूवी ने 10,00,00,000 रुपये की कमाई कर ली है और इस मूवी का टोटल 6 दिनों का कलेक्शन हो चुका है 118,28,00,000 रुपये, जो कि मूवी हिट होने के लिए चांसेस ज़्यादा होते हैं और जो कि अपने बजट को ही पार करती हुई नज़र आ रही है। अब हम बात करें क्रिटिक्स और ऑडियंस को यह मूवी कैसी लगी। ऑडियंस को यह मूवी काफ़ी पसंद आई है, ऑडियंस ने इस मूवी को 4 की भी रेटिंग दी है और क्रिटिक्स को देखकर यह मूवी ज़्यादा पसंद में नहीं आई और लेकिन यह मूवी काफ़ी कॉमेडी के साथ साथ एक्शन भी बताया जा रहा है। आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइए सुपरस्टार अक्षय कुमार की मूवी आप सबको कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।